द क्वेश्चन इज इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू टू आई प्लस जे एंड वैक्टर सी इज इक्वल टू थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फाइव के देन फाइंड यूनिट वैक्टर पर पेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वैक्टर्स ए माइनस बी एंड सी माइनस बी हमें ए बी सी तीनों वैक्टर गिवन है और हमें एक वैक्टर फाइंड करना है जो ए माइनस बी एंड सी माइनस बी इन दोनों वैक्टर्स के पर पेंडिकुलर हो राइट right? तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि ए माइनस बी क्या आएगा और सी माइनस बी क्या आएगा तो ए माइनस बी क्या होगा ए है हमारा आई प्लस टू जे प्लस के माइनस बी बी है हमारा टू आई प्लस जी तो यहाँ से आई माइनस टू आई ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ आई टू जे माइनस जी तो प्लस वन जे एंड प्लस के राइट इसे हम सपोज कर लेते हैं मान लो कि वैक्टर पी है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए अदरवाइज आपको सपोज करने की ज़रूरत नहीं है दूसरा वेक्टर है सी माइनस बी सी है हमारे पास थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फाइव के और बी है हमारा टू आई प्लस जे थ्री आई माइनस टू आई तो आई हो जाएगा ये माइनस फोर जे माइनस जे माइनस ऑफ़ फाइव जे एंड माइनस फाइव के सपोज दिस इज़ क्यू अब हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो इस P एंड Q दोनों के ही परपेंडिकुलर है और वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अब हमें ये पता है कि P एंड Q दोनों के ही परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो हमारे पास P क्रॉस Q होता है और अगर आप फॉमुला वेस्ट करोगे यूनिट वेक्टर चाहिए आपको तो यूनिट फैक्टर पर पेंडिकुलर टू यूनिट वैक्टर पर पेंडिकुलर टू पी एंड क्यू इज गिवन बाय एक तो आपके पास पी इन टू क्यू होना चाहिए पी क्रॉस क्यू प्लस माइनस राइट एंड डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से तो हमें डिवाइड करना ही होगा क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो बेसिकली हमें पी क्रॉस क्यू निकालना है तो आपको ये भी वैसे भी याद रखना है कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो कोई भी वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द आंसर राइट तो पहले हम निकालते हैं पी क्रॉस क्यू तो इसके लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी होगी हमें आई जे के फर्स्ट रॉ में पी के कॉफिशंट्स आएंगे माइनस वन वन एंड वन क्यू के कॉफिशेंट आएंगे वन माइनस फाइव माइनस फाइव राइट तो एक्सपेंड करते हैं इसे तो ये आएगा हमारे पास माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस ऑफ जे के साथ आएगा आपके पास फाइव माइनस वन एंड के साथ आ जाएगा आपके पास फाइव माइनस वन सो दिस विल बी माइनस ऑफ फोर जे प्लस फोर के तो ये वैक्टर आया जो कि पी और क्यों के परपेंडिकुलर होगा अब मुझे बनाना है यूनिट वैक्टर तो वो क्या होगा पी क्रॉस पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड राइट पहले तो पी क्रॉस क्यू है डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड प्लस माइनस तो ये हमारे पास माइनस ऑफ फोर जे प्लस फोर के इनका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो प्लस माइनस ऑफ यहाँ अगर आप माइनस कॉमन ले भी लेंगे बाहर प्लस माइनस ही रहेगा डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा फोर रूट टू डोमेटर से फोर कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा वन अपॉइन्ट रूट टू जे माइनस के राइट तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैक्टर है थैंक यू